समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को इसलिए रिलीज किया गया है ताकि यूपी चुनाव के नतीजों पर बहस ना हो सके। उन्होंने द कश्मीर फाइल से होने वाली कमाई को कश्मीरी पंडितों की वापसी पर खर्च करने की सलाह दी है। अखिलेश ने कहा कि यदि कोई उनसे मांगता है तो वो भी मदद करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव से सोमवार को जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह फिल्म को सही मानते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं इस बहस में पड़ना ही नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि जो पैसा इकट्ठा हो गया है उससे कश्मीरी पंडितों को सेटल करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। सरकार को भी आगे आना चाहिए। यदि टैक्स से 100, 200, 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है तो सरकार भी अपना कुछ पैसा लगाए और कश्मीरी पंडितों की मदद हो। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि कम से कम ये पैसा पीएम फंड में ना चला जाए और जिसका पता भी ना चले कि आखिर पैसा कहाँ चला गया। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जो फंड है वो कश्मीरी पंडितों पर कमेटी बनाकर अलग अलग जो रह रहे हैं उन पर खर्च हो सके, साथ ही उन्हें कैसे सेटल किया जाए इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। सपा अध्यक्ष से जब पूछा गया कि क्या वह कश्मीरी पंडितों के लिए वापसी में उनकी मदद करेंगे तो उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है, कोई मांगता है तो हम जरूर देंगे। मैं सुझाव दे रहा हूं कि सरकार को जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो कम से कम उनके लिए खर्च तो हो। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।